हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक? आज के क्लास में पढ़ने वाले हम लोग रिलेशन टॉपिक। जैसा कि हम बताए थे कि रिलेशन मतलब क्या, जो तुम अपने जीवन में भी देखते हो, घर का में अलग तरह के रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन, टीचर के साथ रिलेशन, तो ये रिलेशन ना मैथ में भी होता है रिलेशन। अब जैसे किसी एलिमेंट का किसी के साथ रिलेशन या किसी ट्रायंगल का रिलेशन, जैसे हम बोलते हैं, चलो एग्जांपल में बोलते हैं कि ये लाइन लाइन एल जो है लाइन एम का पैरेलल है, या हम बोलते हैं लाइन पी लाइन क्यू का परपेंडिकुलर है, तो ये जो रिलेशन है ही तो बता रहा है कि ये जो लाइन एल है, हम बोल दे कि इस लाइन एम से ये पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम, ये क्या है, इन दोनों का रिलेशन है। या हम बोल दे कि कोई लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है और दूसरा लाइन सेगमेंट पी क्यू इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का एक रिलेशन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये रिलेशन है। उसी तरीके से मैथ्स में और भी तरह के रिलेशन होते हैं, तो रिलेशन होते हैं तो रिलेशन कहते किसको है, इसको समझना जरूरी है। पिछले वाला जो एक्सरसाइज बनाए थे उसमें क्या सीख रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख रहे थे, कि अगर मान लो ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो एम्प्टी खाली नहीं होना चाहिए, और बी भी क्या है, बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ये भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हम लोग सीखे थे। तो जो रिलेशन होता है वो जो रिलेशन निकलेगा वो क्या होगा, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है, और जिसमें अगर हम कोई एलिमेंट लिखते हैं ए कॉमा बी, तो ये इस ए का रिलेशन होगा बी के साथ, वो हम देखेंगे, अभी एग्जांपल बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। उसमें ये होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा, और ये जो बी है ये क्या कहलाएगा, बी, बी इज द इमेज ऑफ, इमेज ऑफ ए, बी इज द इमेज ऑफ ए कहलाएगा। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एग्जांपल बताता हूं। चलो एक इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम से मैं पहले तुमको समझाता हूं, फिर एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। जैसे कि हम एक सेट ले लेते हैं एक्स, और ये सेट है वाई, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, वन टू थ्री और फोर लिख दिए, ठीक है, और इधर अगर हम लिखते हैं क्या, वन फोर नाइन सिक्सटीन लिख देते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। इसका रिलेशन हमने इसके साथ दिखाया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये देख के तुमको कुछ समझ में आता है, कुछ आ रहा है, ये क्या है, ये देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि वन का तो वन, ठीक है, टू फोर थ्री नाइन फोर सिक्सटीन, क्या बता रहा है, मतलब ये जो है ना, ये इसका स्क्वायर है, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, तो हम क्या बोल सकते कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है क्या कि वाई क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ये रिलेशन है, वाई क्या है, एक्स का स्क्वायर है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे दो तरीके से कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, तो पहले हम सेट बिल्डर में करते हैं, सेट बिल्डर में देख लो, सेट बिल्डर में देख लो, रिलेशन क्या है, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको देख के आप समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई इसका ये रिलेशन है। इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म सबको लिखना पता है, हमको आगे में क्या चाहिए, x चाहिए और बाद में y, 1,1 2,4 3,9 4,16, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में रिलेशन और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन। मतलब हमको क्या करना है, दो सेट के बीच में उस एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो कनेक्टेड है, वो दो उससे ज्यादा है, उससे दो कम है, उसका स्क्वायर है, उसका क्यूब है, ये सब हमको फाइंड आउट करना है और उसको रिलेशन के फॉर्म में लिख देना, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल मैं ऐसे ही अपने से लिया हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखते हैं क्या है।
तो ये है अपने पास एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है, इसमें हम सीख जाएंगे तुरंत और अच्छे से। बोल रहा है लेट ए, ए कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 6 इसका एलिमेंट है। बोल रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए का ए के साथ ही खुद के साथ इसका एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसा रिलेशन? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मतलब उस रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो जो फर्स्ट टर्म होगा पहला वो एक्स, ठीक है, मतलब इसी में से एलिमेंट लेना है एक्स, और जो वाई होगा वो एक्स से एक ज्यादा, जो सेकेंड वाला होगा वो होगा एक्स से एक ज्यादा होगा। तो चलो हम लिख के देखते हैं इसको। तो पहले हमको क्या करने के लिए बोला, डिफाइन रिलेशन आर, तो डिफाइन करते हैं रिलेशन आर का, सॉल्यूशन करते हैं। चलो एक रिलेशन आर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे एक्स, मतलब इसमें क्या एलिमेंट वन, कॉमा जो सेकेंड पॉइंट पे वाई आएगा, वाई वो क्या होना चाहिए एक्स से एक ज्यादा, मतलब इस वन से एक ज्यादा, तो वन से एक ज्यादा क्या हो जाएगा टू, ठीक है। अब इस ये वन के लिए हो गया, अब टू के लिए, क्योंकि इसका खुद के साथ हो रहा है, ठीक है, तो टू के लिए टू, और वाई क्या है एक्स प्लस वन, तो एक्स तो ये है, तो वाई क्या हो जाएगा अगला टू प्लस वन थ्री, फिर थ्री के लिए तो थ्री थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा फोर, फिर फोर के लिए फोर प्लस वन फाइव, फाइव के लिए फाइव प्लस वन सिक्स। अब यहां एक सिक्स है, अगर हम यहां पर सिक्स लेते हैं तो सिक्स प्लस वन सेवन लिखना पड़ेगा, लेकिन सेवन तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, क्यों, ये खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, तो सेवन तो एलिमेंट ही नहीं है यहां पर, तो सेवन तो आना चाहिए नहीं, सेवन कभी नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये वाला हम लिख ही नहीं सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, यहीं तक लेना पड़ेगा, एक्स को फाइव तक ही लेना पड़ेगा, क्यों, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स इसका लास्ट है, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम वो सिक्स और सेवन, सिक्स कॉमा सेवन नहीं ले सकते। हमको क्या लेना पड़ेगा, बस इतना, ये हो गया रिलेशन, ठीक है, ये है रिलेशन। इसी को क्या बोला है, डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से इसको डिपिक्ट करना है, तो एरो डायग्राम अभी सिखा दिए थे, ए सेट ए, सेट ए, यहां कोई दूसरा सेट है ही नहीं, इसलिए ये ए है तो ये भी ए ही है, एलिमेंट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर भी एलिमेंट क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्या है कि भले ही ये ए का ए के साथ है, लेकिन यही वाला क्या है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई हम मान के चल रहे हैं, एक क्योंकि दोनों में से कोई को, तो एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे, भले ही दोनों सेम है, अगर एक्स वन है तो वाई कितना मिल रहा है, एक्स अगर वन है तो वाई कितना हो जाएगा वन प्लस वन, तब ना वाई इज इक्वल टू टू, तो एक्स वन पे वाई कितना मिला टू मिला, एक्स टू अगर होता वाई बराबर क्या मिलता टू प्लस वन थ्री, तो एक्स टू पर वाई मिला थ्री, एक्स थ्री पर वाई मिला फोर, एक्स फोर पे वाई मिला फाइव, एक्स फाइव पे मिला वाई सिक्स। तो ये एरो डायग्राम से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया किसके, इस रिलेशन को। अब इस एरो डायग्राम को भी देख के आप समझ सकते हैं, एक एक बढ़ता जा रहा है, तो हम रिलेशन को समझ गए कि वाई जो है वो एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन, हमने डिफाइन भी कर दिया, हमने एरो डायग्राम बना भी दिया। अब यहां पर एक जो बात लिखा हुआ है, क्या बोला, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ये कौन सा नया मुसीबत आ गया, ये कोई मुसीबत नहीं है, चलो दिखाता हूं क्या पहला क्या निकालना है, चलो डोमेन निकालना है, डोमेन किसको बोलते हैं समझेंगे, डोमेन बोलते किसको है। यहां जैसे एक्स और वाई है, तो जो जो एक्स एलिमेंट यूज हुआ है, मतलब जो जो एक्स का वैल्यू हमने रखा है, एक्स के प्लेस पे हमने जो जो रखा है वैल्यू, वो सब क्या है डोमेन है। तो एक्स पे क्या क्या रखे, वन रखे, टू रखे, थ्री रखे, फोर रखे, फाइव रखे, सिक्स को हमने नहीं रखा है, तो क्या क्या रखा हमने वन टू थ्री फोर फाइव, तो डोमेन क्या क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया डोमेन, ठीक है। अब यह है कि को डोमेन क्या है, को डोमेन,
को डोमेन क्या है भाई? तो को डोमेन किसको बोलते हैं? ये जो दूसरा वाला सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाता है? को डोमेन कहलाता है। जैसे डोमेन में क्या है, जो पहले वाले सेट में जो एलिमेंट यूज हुआ है, ये तो यूज ही नहीं हुआ तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, ये यूज हुआ है तो ये क्या हो गया? डोमेन। अब है को डोमेन, तो दूसरा वाला जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या कहलाएंगे? को डोमेन। हर सेट में ऐसा ही होगा, पहले वाले में जो x के लिए यूज हुआ है वो सब डोमेन, x के प्लेस पर जो जो हमने रखा वो डोमेन, और जो दूसरा वाला सेट है जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? को डोमेन। तो जितने भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 ठीक है। और तीसरा चीज निकालने के लिए क्या बोला है? रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज। तो रेंज जो कहां से कहां तक वैल्यू आता है, अगर हमने यहां 1 रखा तो y क्या आया? 2 आया। 2 रखा तो 3 आया, 3 रखे तो 4 आया, 4 रखे तो 5 आया, 5 रखे तो 6 आया। मतलब x के वैल्यूज को रखने के बाद y क्या क्या आया? तो y क्या क्या आया? 2 3 4 5 6। तो जो जो y आया वही उसका रेंज है। तो y क्या क्या आया? 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6 इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। ठीक है, इजी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का, और कुछ सीखते हैं। ये है अपने पास एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या बोलता है? द फिगर, एक फिगर है यहां पर दिया हुआ, शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। ये दो सेट दे दिया है, पी एंड क्यू दो सेट दे दिया है, और इनके बीच में क्या दे रहा है? रिलेशन दिया हुआ फिगर में। इस रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर में भी लिखने के लिए बोला है, रोस्टर में भी बोला है। अब पूछा है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और इसका डोमेन ऑन रेंज भी पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, पहचान लेते हैं, चलो बनाते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करने में क्या बोला है? पहले पूछा है इन सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिलेशन लिखना, लेकिन रिलेशन तो तभी हम लिख पाएंगे जब पहले पहचान पाएंगे कि रिलेशन है क्या। चलो पहचानते हैं। हम क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि 9 का रिलेशन 3 से भी है, 9 का -3 से भी है, 4 का रिलेशन 2 से भी है, 4 का -2 से भी है, और 25 का रिलेशन 5 से भी है, 25 का रिलेशन -5 से भी है। तो अब हम यहां पर कैसे समझ सकते हैं? हम देख रहे हैं क्या, 3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, और -3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 9, उसी तरह 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, और -2 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25, और -5 को भी स्क्वायर करेंगे तो 25। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो P में जो एलिमेंट है ये वाला, ये स्क्वायर है किसका? Q वाले का। तो अगर हम इसी को X मान ले और Y मान ले तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला X है, सेकंड वाला Y है। तो हमको पहले क्या लिखना? इन सेट बिल्डर फॉर्मूले, हमको रिलेशन तो पता चल चुका है कि ये वाला X जो है Y का स्क्वायर है, इधर वाले का स्क्वायर है। तो रिलेशन लिखते हैं पहला हम सेट बिल्डर फॉर्म में, R रिलेशन X कॉमा वाई सच दैट, X क्या है? X इज द स्क्वायर ऑफ Y, तो X इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब Y वाले एलिमेंट को स्क्वायर करने पर क्या मिल जाता है? X मिल जाता है ना? जैसे 5 का स्क्वायर और -5 दोनों का स्क्वायर 25, 2 -2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर करो चाहे -3 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा? 9। तो X इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वेयर X बिलोंग्स टू, X किससे बिलोंग करता है? P से, और Y बिलोंग्स टू, Y किससे बिलोंग करता है? Q से। ये लो, ये हो गया किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकेंड लिखना है किसको? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी ही होता है। 9 का किसके साथ है? 3 के साथ भी और -3 के साथ भी। तो 9, 3 -3 ठीक है। उसके बाद 4, -2 और भी है 25 का 25, -5 है ना। तो ये रिलेशन तैयार हो गया किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में भी तैयार हो गया। अब क्या बच गया लिखने को? बच गया है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन लिख देंगे, डोमेन क्या है?
तो डोमेन में हमने बात कर रखा है कि वो वैल्यूज जो यूज हो रहा है एक्स का, वो वैल्यू जो हम रख रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं एक्स का, वो वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे 9 का रिलेशन हुआ, 9 को हमने पुट किया, 4 को भी और 25 को भी, तो हमारा डोमेन क्या हो गया, 9, 4 और 25, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं रेंज क्या होगा अपना। चलो एक साथ और एक और ऐड करते, एक कोड डोमेन भी तो सीखे थे। अगर हम बोल दे कोड डोमेन क्या होगा, तो कोड डोमेन क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेट ही कोड डोमेन होता है, तो पूरा का पूरा सेट क्यू, जो सेट क्यू है ये पूरा का पूरा क्या है, कोड डोमेन। वो तो हमने ऐसे ही बता दिया। चलो एक रेंज सीख लेते हैं, जो पूछा है रेंज इसमें क्या होगा। तो रेंज क्या होता है, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद क्या क्या वाई का वैल्यू मिला। तो एक्स का वैल्यू पुट हमने किया तो वाई का क्या क्या वैल्यू मिला, तो वाई का वैल्यू हमको ये मिला हुआ है, ये वैल्यू है। अब यहां आप सोच रहे होंगे हम तो यहां वाई पुट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। वाई क्या क्या आया है, वाई जो जो आया है वो सब क्या है, रेंज है। वाई क्या क्या है, 5, 3, 2 लिख लीजिए, 5, 3, 2 -2, -3, -5 -2, -3, -5 ये इसका रेंज हो गया, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। और ये 1 कोई यूज नहीं हुआ, ये खाली कोडोमेन में यूज हुआ, ठीक है, ये 1 खाली रह गया। तो ये सिंपल था, समझ गए ना आप, रेंज क्या हुआ, जो वाई में जो जो एलिमेंट आया। ये लास्ट एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, इसको देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। इसमें क्या बोला, एक सेट दे दिया, सेट ए जिसमें एलिमेंट क्या क्या है, 1, 2। एक सेट बी दे दिया, इसमें एलिमेंट क्या है, 3, 4। बोला फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में कितने रिलेशन क्रिएट हो सकते हैं। तो इसका कुछ रूल है, रूल कब पता चलेगा, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब भी जब पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहले अपने को क्या कर लेना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पता है तुमको, पिछले वीडियो में सिखाया गया है, तो इसको देखो समझ जाओगे, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेना। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं इस 1 का किसके साथ, 3 और 4 के साथ। तो 1, 3 और 1, 4, फिर 2 का इसके साथ और फिर 2 का 4 के साथ, 2, 3, 2, 4, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही करते थे, इस एलिमेंट का रिलेशन बनाते थे इसके साथ और इसके साथ, मतलब उधर जितने भी होते उसके साथ, और इधर 2 का, फिर उधर जितने, तो कितने बन गए अपने पास, टोटल अपने पास बन गए 4 एलिमेंट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आया, 4। अब पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा पता है, 2 का पावर 4, जितना एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में उतना पावर दे देंगे 2 के, तो 2 के पावर 4, इतना रिलेशंस बन सकते हैं ए टू बी में। तो एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो या तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो और देख लो कितना एलिमेंट है, गिन लो, तो इसमें 4 आया तो हमने 2 का पावर 4 कर दिया, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे तो एक, ये तो हो गया, चलो और मैं बता देता हूं एक अल्टरनेट, हम बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले भी बना सकते हैं। कैसे, हमको यही तो चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो 2 into 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकले, 4। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 2 का पावर 4, है ना। तो या तो आप इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके निकाल लो, गिन लो, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना एलिमेंट होगा, उसका 2 का पावर बना दो, तो 2 का पावर 4, इतना ज्यादा रिलेशंस उसके बन सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन का थ्योरी और रिलेशन का एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा खत्म हो गया। तो अब तुम्हारा काम क्या है, एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इसी पे क्वेश्चंस है, तो इसको सॉल्व करो, पूरा बन ही जाएगा। अगर एक दो रह जाएगा तो अगला वीडियो मेरा इसी का सॉल्यूशन आने वाला है।